नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर गांधी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्रे, जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, पूर्व मंत्री रघुवीर सूर्यवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डांगी, जनपद सदस्य सुधीर उपाध्याय एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हसरुद्दीन खान की उपस्थिति में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण फीता काटकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने की। सभी अतिथियों ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसमें विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि आज की युवा पीढ़ी को गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। एसडीएम वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रतिमा के नीचे लगी पट्टिकाओं पर गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और गांधी जी के द्वारा की गई यात्राओं को विश्लेषण रूप से समाहित किया गया है, जो कि भविष्य में कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों को गांधी जी के बारे में समय समय पर अवगत कराता रहेगा। सभी अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। एकमात्र बल अहिंसा ही है और गांधी जी का सिद्धांत सरलता रहा है। जब वो 1931 में गांधी जी द्वितीय गोल में, जैसे कि हमारे आदरणीय संजय बताए, सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे, तो वहां प्रारंभ है। और गांधी जी के बारे में हमारे वरिष्ठ साथियों ने, मंचातीन साथियों ने और हमारी प्यारी बिटिया सिसोदिया ने काफ़ी कुछ कहा है। उनके बारे में बहुत बड़ा चिंतन है। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, गांधी जी के थॉट पर पीएचडी होती है कि